गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। मैं बहुत दिनों के बाद आज कैमरे के सामने आ रही हूँ। सुबह से तो आप लोगों ने देख ही लिया, मेरा जो मॉर्निंग है वो एक ही तरह से स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग वॉक, नींबू पानी, ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। अभी मैं बना रही हूँ फिलहाल रोटी सब्जी। आज संडे है और आज सुबह बनेगा रोटी और सब्जी ब्रेकफास्ट में। वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कहते हैं शो ब्रेकफास्ट हमारा अभी अभी ख़त्म हो गया है। ये वाला वेदर के वजह से ना यहाँ पे इतना ज़्यादा ड्राइनेस होता है, बाल एकदम ड्राई हो गया है। तो एक पैक बनाऊंगी और बालों पे भी आज लगाना है। मेरा बाल फ्रिजी ही रहता है पैक लगाने के बाद भी, लेकिन मैंने सुना है कि वो वाला पैक बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, इसी वजह से बाल ड्राई ही रहता है। धूप बिल्कुल भी नहीं है, बाहर क्लाउडी वेदर है, लेकिन इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। एनीवेज तो मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। लंच में फिश और सुरन बनेगा, और डिनर के लिए चिकन मैं बना के रख रही हूँ, और चिकन के साथ कुछ बना लूँगी। आप लोगों को तो पता ही है मेरे हस्बैंड को वाइट चिकन ज़्यादा पसंद है, चिकन वो योलो रेड वाला ग्रेवी से ज़्यादा उसको वाइट वाला चिकन ज़्यादा पसंद है। तो संडे अगर बनता है मेरे घर पे चिकन तो ज़्यादातर यही वाला रेसिपी बनता है, जो मैं मेरे पिछले ब्लॉग में वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया था। लेमन पेपर चिकन बन रहा है, ये देखिए ऑलमोस्ट बन गया है। इसमें अभी पेपर और मिर्ची मैंने आज चॉप करके नहीं दिया, बस ऐसे ही फाड़ के दे दिया। इसमें अभी लास्ट में ब्लैक पेपर, लेमन जूस और बटर ऐड करूँगी, तो हो जाएगा ये कम्प्लीट। सॉरी, इग्नोर द साउंड, मेरी बेटी का काम है। हो गया मेरा पूरा घर क्लीन। मेरा ये जो कुशन्स देख रहे हो, उसका जो अंदर उसने कॉटन दिया है ना, वो मुझे बिल्कुल मतलब ठग लिया है, ऐसे रोल हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद ना ये कवर्ड सिर्फ रख के अंदर का जो कॉटन है वो पूरा चेंज करवा लूँ। कुछ कुछ खराब हुए हैं, ये जैसे ये वाला कुशन एकदम ठीक है, ये वाला थोड़ा सा ही बिगड़ा है, ये दो ज़्यादा बिगड़ गया है, ये भी बिगड़ा है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा ठीक किया है। देखती हूँ क्या करना है इसका। अभी हम लोग पी रहे हैं वाटरमेलन जूस, यहाँ पे और भी थोड़ा सा बचा हुआ है, जिसके पहले ख़त्म होगा वही पीने वाला है ये। ना सारे पौधे मर गए, सिर्फ ये वाला जिंदा है, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना दूरबा आया है, तो मैं इसमें भी पानी डाल रही हूँ। और इसमें एक तुलसी आया है, अपने आप ही आया है। ये वाला जो था ये बिल्कुल भी सूख गया है, फिर भी मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ना क्या होता है उसमें से ही आ जाता है। देखती हूँ
राइस मेरा हो गया है, अभी इसको छान लूंगी। राइस को छानने के बाद ना थोड़ा सा खुद के लिए टाइम मिला है, तो वाटरमेलन जो मैंने जूस पिया था उसी से मैंने एक टुकड़ा निकाल के रखा था, उसी को मैं अभी फेस पे लगाने वाली हूँ। जस्ट ये थोड़ा सा क्यूब लेके, इससे ना बहुत रिफ्रेशिंग लगता है। मैं कोई भी फ्रूट्स खाती हूँ ना, थोड़ा सा एक टुकड़ा रख लेती हूँ फेस पे लगाने के लिए। मेरे हस्बैंड तो चिल्लाते रहते हैं कि ये वाला टुकड़ा अगर खा लेते तो ज़्यादा रहता, ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन ये स्किन के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगता है। जैसे आप आइस क्यूब को लगाते हो ना, वैसे ही लगाया करो, क्योंकि समर में हम सबके घर में ना वाटरमेलन आते हैं, तो उसी से अगर एक टुकड़ा आप रख लोगे ना खुद के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे हल्के हाथों से आइस क्यूब के जैसे ही इसको लगा लेना है। स्किन को आप जितना ज्यादा रिलैक्सिंग रखोगे ना उतना ज्यादा ग्लो करता है। आप लोगों को तो पता है जब आप फेशियल करने जाते हो पार्लर में, तो वहां का एटमोसफियर वो लोग ऐसा बना के रखता है कि आपको वो लोग बता ही देते हैं कि आप रिलैक्स करो, क्योंकि जितना आप रिलैक्स करोगे ना स्किन का जो सेल्स है वो ज्यादा काम करेगा और ज्यादा आपको ग्लो मिलेगा। तो जितना हो सके फेस के जो स्किन है ना उसको रिलैक्स करने देना चाहिए। तो मुझे अभी थोड़ा सा टाइम मिला है तो इसीलिए आए। वाटरमेलन लगाने के बाद फैन के नीचे आके बैठ के इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है। बहुत सारे लोगों को ना आइस क्यूब लगाना नहीं जमता क्योंकि ठंड लग जाता है, ठंड का थोड़ा सा रहता है तो वो लोग नहीं लगा पाते। तो ये भी आप लोग लगाओगे ना, ये या क्यूकम्बर, क्यूकम्बर को घिस के फेस पे लगाना। अभी 5-10 मिनट ऐसे ही बैठूंगी, उसके बाद जाके फेस वॉश कर लूँगी, नहाने भी जाना है। नहा के आ गई हूँ, अभी पूजा करूंगी पहले, उसके बाद लंच करूंगी। ये हो रहा है पकोड़ा फ्राई। बंगाली लोग ना पकोड़ा राइस के साथ खाते हैं, मतलब हम लोग पकोड़े जो है वो राइस के साथ खाते हैं। तो यहाँ पे ये कैबेज और ऑनियन के पकोड़े हैं। तो यहाँ पे है पकोड़े, यहाँ पे सुरन की सब्जी, यहाँ पे फिश, बस यही है हमारा आज का लंच। शाम हो गया है, मतलब 5:30 बज गए हैं, थोड़ी देर भी सो नहीं पाई हूँ। मेरी बेटी आज बिल्कुल भी नहीं सोई है दोपहर को। अभी कुछ देर में ना मेरी एक फ्रेंड आने वाली है, मेरी एक फ्रेंड और बंगाली फ्रेंड यहाँ पे ही रहने वाली है, और उसका जो बेटा है वो मेरी बेटी के सेम एज का ही है, तो वो आने वाली है। पता नहीं उस टाइम पे मैं ब्लॉग शायद नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि सब कंफर्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं नहीं पता ना, सो उस टाइम पे शायद ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। हवा चल रहा है लेकिन गर्म हवा चल रहा है। परसों रात को थोड़ा सा बारिश हुआ था लेकिन काम कुछ नहीं बना, मतलब गर्मी वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं कम हुआ गर्म। गर्मी कम होने के लिए अभी तो जून के मिडिल में शायद, जब एकदम मानसून स्टार्ट हो जाएगा ना उस टाइम पे शायद गर्मी कम हो जाए। अभी कोरोना चला गया ना, मतलब ऑलमोस्ट चला गया, तो नीचे देखो हमारा स्विमिंग पूल जो है वो चालू हो गया है।
नीचे ग्राउंड में बच्चे भी बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। ये सब देख के भी ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब सब चीज़ें नॉर्मल हो गया है, नॉर्मल होने लगा है धीरे धीरे, और भी कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको जब आप देखते हो ना तो अंदर से बहुत पॉजिटिविटी फील होता है। फ्रेंड आई थी ना वो अभी अभी गई है, बहुत दिनों के बाद ऐसे बैठ के हम लोगों ने गप्पे किया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही हम लोग मिले थे, लेकिन ऐसे घर पे बैठ के सिंपल सी बातें करना अच्छा लगता है। फ्रेंड्स लोग अगर घर पे आ जाए तो मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसका जो बेटा है वो मेरी बेटी के सेम एज का ही है, तो उसको भी अच्छा लगा, थोड़ा सा खेल कूद हो गया। अभी मैं राइस चढ़ा रही हूँ, जीरा राइस बनाने का प्लान था, लेकिन सुबह जो पकोड़े खाए थे ना उस वजह से मेरा थोड़ा सा इंडाइजेशन जैसा लग रहा है, तो इसीलिए जीरा राइस नहीं बना रही हूँ, सिर्फ प्लेन राइस बना रही हूँ। उन लोगों के लिए बना रही हूँ, अगर मेरा मूड हुआ तो थोड़ा सा खाऊंगी चिकन के साथ, अगर नहीं हुआ तो नहीं खाऊंगी। ज़्यादातर हो सकता है कि मैं नहीं खाऊं, शायद नहीं खाऊंगी, तो इसके लिए उन लोगों के लिए सिर्फ राइस बिठा रही हूँ। राइस और चिकन से उन लोगों का हो जाएगा आज का डिनर। अब हो गया है, राइस भी चढ़ा दिया है मैंने। अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ पेंटिंग लेके, अचानक से शौक जगा है पेंटिंग का, तो एक छोटा सा कैनवस लेके बैठी हूँ मैं, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। जो भी बनाऊंगी, अच्छा बुरा जो भी हो, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी मैं। पे मेरी बेटी बना रही है सनफ्लावर। बस बस बबू होएगा छे, लिफ्टा लिफ्टा होएगा छे। अभी तक सिर्फ ये हुआ है, कंप्लीट कब कर पाऊंगी नहीं पता, इसका अभी कुछ फिनिशिंग भी नहीं हुआ है, मैंने बस सिर्फ आउटलाइन ही बनाया है, देखती हूँ कब तक ख़त्म कर पाती हूँ इसको। डिनर हो गया है कंप्लीट, और ये देखिए ये आधा ही छोड़ दिया मैंने, देखती हूँ कल परसों ख़त्म करूँगी। तो डिनर हो गया, थोड़ा सा ही राइस लिया है मैंने, थोड़ा सा ही खाई हूँ। तो चलिए इस वीडियो को आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। टिल देन बाय, गुड नाइट।